कि हम वो तो भैया वनवास में लो 14 साल बन जा रहा हूं तो पर हम चल रहे जहां राम ता वनवास हूं। अब भगवान राम बोलेगा वह के चक्कर को 14 साल को समय और जब पूरी प्रजा संग डोलाई तो राम खाए कहां थे आवे सबंत समझ आए कई पर काउ ने पैर पीछे नहीं दो। जैसे मैं भगवान राम लक्ष्मण सीता सुमंत जी और तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे काए बेटा अरे तमसा नदी के किनारे पर तो वहां पूरा पड़ाव लगा दिया था। रात में भगवान श्री राम ने चाचा सुमंत से रथ जुड़वा दिया सबको सोते हुए छोड़ दिया सबको सोते हुए आगे चल के गए श्रृंगवेरपुर पे गुहराज से भेंट हुई है। तो गुहराज से भगवान राम ने कहा था कि भैया आज हम तुम्हारे यहां रुकेंगे लेकिन नगर में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं वचन दे करके आया हूं कि 14 साल तक किसी नगर में पैर नहीं दूंगा नहीं दूंगा। सवेरे हम गंगा जी पार जाएंगे तो काउ नाव की व्यवस्था करवा दियो। गुहराज ने की चिंता मत करो सभी बिरादरी नाव ही चलाते हैं कछुना करते हैं। जीवन में देखो उस दिन मैंने बताया था कि कभी किसी को धोखा मत देना धोखा दोगे तो धोखा खाओगे और बुजुर्ग जो होते हैं जिनके सिर के बाल सफेद पड़ जाते हैं वो चीज इन पे मिलेगी वो किसी स्कूल विद्यालय में नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी और उसका नाम है तजुर्बा। और कैसे मिल जाते मालूम है सुनो बाल को तुम्हें बता रहे नई नई उम्र के एक बार जब फूफा जी रेलम बैठ के और दर्शन करवे जा रहे हैं अयोध्या को सो दर्शन करवे जा रहे हैं सुबह में 4 लड़का और बैठे सामने भाई सीट में जब देवेश की उम्र के सो एक ने कही के वो देखिए मामा जंजीर होता खेचवे की रुक जाता रेल सो एक ने की खेच दू दूसरे ने की ना खेची मत जब रुपया 500 रुपया जुर्माना बिना वजह खेच दी तो नेपाल रेल चली बानी के मन नहीं मानो से फिर गई के खेच दू। एक सत्येंद्र बानी की त्यो मन ना मानो तो खेच दे पर भैया इतना रुपया देने पड़ेंगे जुर्माने के सो वो चारों जने सो 500-500 रुपए इकट्ठे करके पहले तो धल्ले कोई आवे हो तो दे देंगे। ध्यान रखना सफेद बाल कितना तजुर्बा रखते हैं। अब एक ने थोड़ी देर बाद कही कि बन गो काम के का है के जंजीरा खींच दे तू और जो टोकर बैठे हैं इनके सिर धर देंगे कमाने काई खींची है खींची है कोई आवे पकड़ बे वहां तो भैया भूपा बोलेगा वो बेटा मैं त्या हाथ जो तू तो मेरे नाम काई कर रहे हो बेटा पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे मेरे नाम मैं काई खींच रहा हूं क्या कछना आवे तो तुमने ही खींची है जो रेल ने को चली पकड़ के जंजीर लेकर झटका मार दो रेल रुक गई। सो 4 सिपाही और टीटी जो कमरा में घुस के आए किन्ने खेची है सो चारो एक ही मन के बैठे सीट पे सो सत्येंद्र ने की जो डोकर बैठेगा इनने इनने खेची है सो पकड़ ले पुलिस ने पकड़ के रस्सी डाल ली हाथ में जो लेके चले सोई कही ओ लला रुक जाओ बेटा दरोगा जी ने अब खेची तो मैं नहीं है पर वो जो तो पूछ लो चो खेची है कि बताओ तुम्हें मालूम ना अगर रेल बिना कारण रुकवाना जुर्माना लगता है बेटा मैं नहीं खेची है बताओ और ना खेची तो खेची है पर जो तो पूछ लो चो खेची है क्या मेरे बालकन ने वो दर्शन करवे के ता भेजो सो 2000 रुपया दे मोए इकट्ठे करके घर में थे सो लला में जेब में धरे छाती भाई में सो इन चारों पट्टन ने छीन ले जे सामने हथकान ने छीन ले और तुम न मानो तो जाए एक लाल बुसट भाई की जेब में धरे देख लो सो वो दरोगा जी ने जेब में हाथ डारो सो रुपए निकरिया बिन निखट्टे पहले करी ले दो का तो छोड़ दे बे बांध रहे चारों पुलिस ने और जो चारों लेके चले सतेंद्र बाबू कोने में कांटे देख कहते हैं कि टोकरा देखो जावे काउ दिन सो तब कही डो करने का सुने लला देखबा तो बाद की बात है जे बार घाम में घूरे ना पड़े पो काम कर ये तजुर्बा होता है श्रोता बंधु। तो जैसे ही आज हमारा नाम लक्ष्मण सीता गुहराज और सुमंत जी संग
देखिए इस प्रसंग को और बढ़िया सुन लो, उसके बाद ध्यान से सुने। कल चंद्र वंश का वर्णन रहेगा, जिस वंश में महाराज तुम जन्मे हो और कृष्ण अवतार होगा। भागवत कथा में कृष्ण का अवतार होगा, झांकी भी दिखाई जाएगी, वसुदेव बनाए जाएंगे और कन्हैया भी बनाए जाएंगे और गोवर्धन की पूजा होगी, बढ़िया दूध की खीर, पांच पूड़ी या पांच पुआ बना के लाना, घी न हो तो तेल में सेक लई हो, और ऐसा मत करियो अगर घी धरो हो तो तेल में सेको तो भैंस ना मिलेगी। हाँ नगला बीरी से प्रमोद कुमार हैं, उनकी तरफ से एक हार माला हमारे लिए, धन्यवाद। तो जैसे ही भगवान राम आज गंगा जी के किनारे पर आए हैं, ध्यान रखना केवट को निहारा है, केवट को, और तब बोले क्या है, कितने बड़े राजा के राजकुमार थे, एक बात ध्यान से सुनना, हुक्म नहीं दिया, आदेश नहीं किया, केवल मांगा। क्या मांगा? लक्ष्मण ने कही, हाथों का तांता ना बोल लो, दिन रात मेरे के संग रह रहो, सब मैं तो इनके मरम है ना जान, तुझे जान तो है। सोता बंधो आज केवट कह रहा है कि प्रभु मैंने ये सुना है कि जब पैर की रजते पत्थर की शिला नारी बन गई, जो तुम्हारा नाव तो बिल्कुल काट गया, मेरे कब्जा नहीं महाराज, नहीं। सोता बंधो इधर भगवान राम सुमंत से कह रहे हैं कि चाचा अब तुम लौट जाओ, लौट जाओ। तो सुमंत कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, केवट नाम मांग रहे हैं, क्या नाम ले आओ, तो केवट ने की बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण ने मुस्कुराए के कही कि प्रभु तुम 14 भवन के स्वामी हो, जब दुनिया में तुम्हारी बात है कोई मानना हो, एक है बुला रहे हो रो और एक डिगार रहे हो बुझाना रो। भगवान राम ने मुस्काए की कही कि लक्ष्मण काव की दुकान अगर सवेरे सवेरे खुले और वहां को सौदा उधार बिकी जाए तो अनेठ है जाते हैं, है जाते हैं। हाँ तो भैया मेरी तो अनेठ करते ही है गई है, मैंने तुमती कही लक्ष्मण क्या तुम बन को मन चलो मेरे संग, तो तुमने मान ली। सीता जी मैंने कही कि तुम मन चलो, इनने मान ली। जब भैया मेरा घर किन नहीं ना मानी तो जे बार क्यों ना मानना। सोता बंधो यहां से कहा कि चाचा सुमंत तुम लौट जाओ, लेकिन नहीं लौट रहे, महाराज दशरथ से क्या कहेंगे। और इधर केवट कह रहा है महाराज नाम में बैठना चाहते हो तो मेरी एक शर्त, कौन सी? अरे जब तक चरणामृत ना ले नाम में नहीं चढ़ाऊंगा, जब तक चरणामृत नहीं ले नाम में नहीं चढ़ाऊंगा। हाथ जोड़ की बोली ना हो एक भेद बताऊंगा, हाथ जोड़ के बोली रहो
सुनो बीमारी है तो तेरे पान में तो तुम पैर धो पहले सो जाते हो। भगवान राम की तो भैया धोए लो, बड़े से कठौता में जल भर के लाया है और श्री राम को खड़ा कर लिया, दोनों पैर मल मल के धो रहा है और तब एक नजर से सीता जी को देख रहा है और एक नजर से लक्ष्मी और तब कह रहा है तुम उंगेई और मैं उंगेई। ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था और जब क्षीर सागर में भगवान के दर्शन को जाता था तो पांडमावती जातो तो लक्ष्मी फटकार देती और सिर की तरफ जाता था तो शेषनाग फुसकार मार देते। तो मैंने एक उलंगते भगवान के दर्शन ना हो नया दोनों पैर में कब्जा में अन्न रोक के दिखाओ, कितना चतुर था। और जैसे ही आज भगवान के पैरों को धो करके और चरणामृत जो बना वो पूरे कुनबा में बांटो कोई रह न जावे और तब कही अब आ जाओ प्रभु जो नाम में चढ़ाए। लक्ष्मण जी सीता भगवान राम और गुहेराज यहां से सुमन तब लौट अब लौटे सुमन और जैसी नाम चली सो बीच में आई। और स्वामी जी मालूम है जब नाप पाए किराव कम मांगते हैं कबू देख लियो बैठ के किराव तब मांगते हैं तब नाप बीच में आते हैं। मैंने स्वयं त्रिवेणी इलाहाबाद जाकर के देखा है बहुत दिन पहले तीन जन्नू के माने 9 रुपया तय करे देवेश 9 सत्यवाद है ब्यास गद्दी पे बता रहा हूं 9 रुपया और नाप जब गंगा जमुना के बीच में पहुंची मानी किराव निकालो 10 रुपया दे दे भाई भैया 1 रुपया हो तो लौटा दी माने की 1 9 9 3 9 के ए भैया तेने माँ तो 3 3 बताए जो बात नहीं का तकरार भाई सुबह नाव में झोटा दो मालूम है 4 आवर पानी रह जाते नाव के किनारे थे हम भैया तू मई उतार दे 9 ही 9 ले ले। और नाव जो बीच में पहुंची सो केवट ने नहीं झोटा दो भगवान राम बोलो भैया क्या कर रहे हो धीरे धीरे ले चलो पल्ली पार केवट की चतुराई देखना। तो केवट ने की भगवान राम तो तुम्हें डर लग रहा हो अच्छा प्रभु अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो कूद मत परियो पैर बना जानते तुम क्यों कहा भगवान भक्तों की भक्ति में इतना डूब जाता है कि उसे तैरना आता ही नहीं। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो एक काम कर लो कौन सा कि अपने दो हाथ में शीश बदल लो पकड़ लो मोए वहारे केवट एक उंगली को उठाने से और 14 भवन तर सकते हो। भगवान राम के दोनों हाथ रख दोनों हाथ जैसे ही नाव चली और पल्ली पार ना पहुंच पाई तो मुर्का दी जा पार पर ना पाई तो फिर मुर्का दी जो मान चक्कर काटे भगवान राम ने की भैया पल्ली पार उतारो है ना केवट की सुनो तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है कि भैया वनवास मिलो 14 साल को तो फिर एक आध साल नाम में ही बैठे रहो इतना प्यार था उसका। लेकिन आपने देखा है कभी तुम्हारा कोई रिश्तेदार अगर तुम्हें मानिकपुर मिले तो बातें नमस्ते राम राम मई तो करो ना मिले हो क्या बात जी कह देखो तू हमारे घर चलता हूं तो राम राम करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन उस दिन ऐसा ही हुआ है कि केवट को जब श्री राम इधर मिले थे न नमस्ते करी न प्रणाम करी और जब पल्ली पार उतारते हैं तब उतर थान भय सुर शरीर नहीं की क्यों नहीं की उसकी चतुराई थी
कि अगर पहले मैं इनसे प्रणाम करता हूं और अपना परिचय देता हूं और इनका परिचय लेता हूं तो जे कंगन सो कंगन हो जाए। तो पहले प्रणाम नहीं किया और जब उतार दे तब भगवान राम विचार करते हैं कि जो उतराई तो दही ना कुछ नहीं था। आज इसने इतनी मेहनत की मुझे नदी पार कर दिया उतराई नहीं दी। तो उस समय सभी माताएं बहने बेटियां सुनना मोह की बात नहीं, मोह की तो दुनिया जान लेते हैं। तुम्हारा धर्म यह बनता है कि पति के हृदय की बात को जानो। इधर की चेहरा उदास दिख जा तो ही समझ लो कोई ना कोई गड़बड़ है, ये है धर्म। तो सीता जी के लिए लिखा है गोस्वामी जी ने क्या के आज बताओ एक अंगूठी उतार के दे दी और वो भी वो मुद्रिका दी जो सीता जी के विवाह में मिली थी, लेकिन पति के चेहरा को उदास नहीं देख पाई और तब कही लो महाराज दे दो। सो जो मुद्रिका हाथ में लई और तब भगवान राम को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तब कह रहे वह केवट थे क्या कही के कहीं कृपा ले उतराई और केवट चरण गहे अकुलाई। राम सिया राम बोलो राम सिया हे राम सिया राम बोलो। प्रभु बेइज्जती कर दी, बहुत बड़ी तौहीन कर दी तुमने, मुझे उम्मीद है नहीं कि तुम इतनी बड़ी बेइज्जती करोगे। क्यों उतरा इसलिए नहीं लूंगा कि स्टाफ का मामला महाराज हम तुम एक ही बिरादरी के। लक्ष्मण ने कही कि नेक गत्त का बिगड़ गई है वो तो बिरादरी को बने। वो जो इतनी कही सोता बंधो लक्ष्मण की उंगली गई है तर्कस में और किसी ने नहीं देख पाया केवट ने देख लिया। एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं और देखो कितनी अच्छी लगाई तुम सबको कि केवट ने कही कि लक्ष्मण हाथ रोक का बोलो मार दो ना मारो, पर आज तुम्हारे मारने से मुझे चार चीज बहुत अच्छी मिलेंगी चार। और देखो एक एक बता रहा हूं मैं और अच्छी लगत चले तो ताली दो हाथों से बजाइयो देवेश बाबू प्रेम से ठीक। तब कही के सुनो लक्ष्मण जी इस दुनिया का वजन पृथ्वी पे, इस दुनिया का भार इस पृथ्वी पे।